नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विषय इतिहास में बीए फाइनल के प्रथम यूनिट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कल के वीडियोस में हमने पश्चिमी शक्तियों का भारत में आगमन और प्रतिस्पर्धाएं, किस तरह से वे अपनी अपनी कंपनी के साथ भारत में आए, व्यापार शुरू किया, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। आप सभी श्यामपट पर ध्यान दें, आपके एग्जाम में इनमें से छोटा प्रश्न आ सकता है और बड़ा प्रश्न 7 नंबर का, लघुतरात्मक और निबंधात्मक 15 नंबर का भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आगे। भारत में अंग्रेजों का आगमन को लेकर ब्रिटिश सरकार ने 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा की गई थी। एलिजाबेथ के द्वारा यह कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और इसका पहला कप्तान कैप्टन हॉकिंस था, जो हेक्टर जहाज से भारत में आए थे। लेकिन पुर्तगालियों का मुगलों के दरबार में हस्तक्षेप अधिक होने के कारण व्यापार की अनुमति नहीं मिली। उसके बाद 1615 में सर टॉमस रो नामक अंग्रेज कैप्टन मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आए और अजमेर के मैगजीन दुर्ग, जिसे अकबर का किला कहते हैं, वहां पर मुलाकात की और व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में सूरत, मछलीपट्टनम और अन्य स्थानों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 1707 ईस्वी तक भारत में एक शक्तिशाली मुगल साम्राज्य था। इस कारण से अंग्रेजों को उनके अधीन नियमों के अनुसार व्यापार की अनुमति मिली थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद अयोग्य शासक होने के कारण वे राजसत्ता को प्राप्त करने के लिए षड्यंत्रों में लिप्त हो गई और उनके अधीन आने वाली कई रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा भी वो कर दी थी। 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और उस युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों की बड़ी हुई शक्ति को भी कुचल दिया था, क्योंकि मुगलों का साम्राज्य कमजोर होने के बाद भारत में मराठा पेशवा शक्तिशाली हो गए थे और मराठा पेशवाओं द्वारा मुगलों के साम्राज्य में भी हस्तक्षेप किया जा रहा था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ 1719 में मराठा मुगल संधि हुई थी। उस संधि के बाद मराठों का भारतीय राजनीति में कद बढ़ गया था। मराठा पेशवाओं में बालाजी विश्वनाथ, बालाजी प्रथम, बालाजी बाजीराव जैसे तीन योग्य
पेशवा हुए थे। और जब बालाजी बाजीराव जो तीसरे पेशवा थे उनके काल में 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में बालाजी बाजीराव के द्वारा भेजे गए सदाशिव भाऊ और विश्वासराव की मृत्यु हो गई और अहमद शाहब्दाली विजित हो गया। और इस सदमे को 1761 में बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर पाए और उनकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार साम्राज्य अस्त व्यस्त हो गया, भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, सभी राज्य आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष ग्रह क्लेश में डूबे हुए थे। और ऐसी स्थितियों में अंग्रेजों को भारत में पैर पसारने का मौका मिल गया। उसी दौरान 1739 में अफगान शासक नादिर शाह का भी आक्रमण हुआ था और नादिर शाह भारत से करोड़ों की संपत्ति यहां तक कि प्रसिद्ध ओइनुल हीरा और तख्त ए हाउस भी अपने साथ लेकर के वो गया था। इससे भी स्पष्ट हो गया था कि भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं है और सब कमजोर हो चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी आपसी फूट का अंग्रेजों ने भरपूर फायदा उठाया और उसमें में हैदराबाद बंगाल बिहार उड़ीसा अवध गुजरात मैसूर जैसे संपन्न रियासतें अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वतंत्र देश के रूप में देख रहे थी। अंग्रेजों ने शुरू से ही अपना ध्यान पूर्वी भारत की ओर बढ़ा लिया था क्योंकि पूर्वी भारत अपेक्षाकृत संपन्न ज्यादा था और वहां पर उनको व्यापार की संभावनाएं ज्यादा लग रही थी। ऐसी स्थिति में जब इन्होंने पूर्वी भारत की ओर विस्तार करने की योजना बनाई तो जब इनको दक्षिण भारत में मद्रास में व्यापार की अनुमति मिल गई थी और उन्होंने वहां पर सेंट फोर्ट जॉर्ज किले का निर्माण करवा दिया था। 1661 में पुर्तगालियों की राजकुमारी का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था और राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने दहेज में बंबई दिया था और वह बंबई चार्ल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को है वो सौंप दिया था। बंबई पर व्यापार का अधिकार हो गया और इस तरह से 1696 ईस्वी में कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 12,000 रुपए वार्षिक भुगतान के बदले बंगाल के तीन गांव सुतनती गोविंदपुर और कलकत्ता की जमींदारियां प्राप्त हो गई और इन्होंने यहां पर भी अपनी व्यापारी कोठियां स्थापित कर ली थी क्योंकि बंगाल का इलाका संपन्न इलाका था, कृषि पैदावार अच्छी थी, धन धान्य से परिपूर्ण था, इसलिए अंग्रेज शुरू से ही यहां पर अधिक रुचि लेते थे। अब जैसे ही उनको यहां की जमींदारी मिली तो उन्होंने व्यापार में ध्यान देना है वो शुरू कर दिया और उस समय में बंगाल के जो नवाब अली वर्दी खान थे उनके समय तक तो अंग्रेज काफी कंट्रोल में रहे लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुत्रियां के पुत्र पुत्रियों में घसीटी बेगम अपना अलग दत्तक पुत्र को शासक बनाना चाहती थी एवं अली वर्दी खान की इच्छा के अनुसार सिराजुद्दौला को वहां का शासक बनाया जाना था। जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल के शासक बने तो घसीटी बेगम राजवल्लभ माणक चंद्र आदि कई लोगों ने विद्रोह की योजना बना ली और वे जाकर के अंग्रेजों से वो मिल गए। इससे अंग्रेजों को मौका
मौका मिल गया और अंग्रेज को मौका पर अस्थित थे। उनकी नीति ही थी कि फूट डालो और राज करो, और इस नीति के तहत उन्होंने भारत में अपना व्यापार क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर दिया। अब उनकी इच्छाएं और बढ़ने लगी, इसलिए उन्होंने कलकत्ता के अंदर विलियम नगर की स्थापना कर अपने रहवास के लिए विलियम फोर्ट किले का निर्माण भी करवाना शुरू कर दिया था। भारत में अयोग्य मुगल शासक थे और अयोग्य मुगल शासकों के कारण उनके जो अधीन प्रदेश थे वे स्वतंत्र हो गए थे। वे खुद अपनी ताकत पर उनको अधीन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के माध्यम से उन स्वतंत्र हुए राज्यों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए कार्य शुरू कर दिया था। ठीक है, उन्होंने उस समय में 1717 में मुगल शासक फर्रुखशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा प्रश्न भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्रुखशिया ने किस दस्तावेज के माध्यम से सीमा शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार बंगाल में अंग्रेजों को है वो दिया था, तो उसका नाम था दस्तक पत्र। ठीक है, तो देखिए 1717 ईस्वी में फर्रुखशिया ने दस्तक पत्र अंग्रेजों को सौंपकर मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले सीमा शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी थी। अंग्रेजों ने इस पत्र का दुरुपयोग करते हुए बंगाल के नवाब की आज्ञाओं का पालन करना भी बंद कर दिया और उन्होंने वहां के विद्रोही व्यापारियों के साथ मिलकर अपने साम्राज्य को अक्षुण बनाने के लिए उनका साथ देना भी शुरू कर दिया। इस बात को लेकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में मन मुटाव बढ़ता ही गया, जो आगे जाकर के प्लासी के युद्ध का रूप प्रदान करता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जब भारत में अंग्रेज आए थे तो वे केवल और केवल व्यापार के लिए आए थे, उनका कोई उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं था। लेकिन उस समय में भारत की राजनीतिक परिस्थितियां विपरीत थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, सभी आपस में ग्रह क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष आदि में बंटे हुए थे और इस कारण से अंग्रेज उन सभी समस्याओं से फायदा उठाते हुए व्यापार की जगह उन्होंने राजनीतिक इच्छा शक्ति भी जागृत है वो कर दी थी, और यही परिणाम रहा कि आने वाले समय में अंग्रेजों का भारत में वर्चस्व है वो बढ़ गया था। अंग्रेजों से पहले भी भारत में यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली आए थे, लेकिन पुर्तगालियों को पराजित कर दिया, डचों को पराजित कर दिया, और इसके अलावा दक्षिण में मैसूर साम्राज्य के सपोर्ट में या सुरक्षा में फ्रांसीसी थे, लेकिन फ्रांसीसियों को भी पराजित कर दिया और संपूर्ण भारत में एक छत्र शासन है वो स्थापित किया था। अंग्रेज अपनी नीति में अपनी नीति के माध्यम से भारतीय राज्यों को पंगु व उन्हें अपने नियंत्रण में लाने की साजिशें रचने लगे और इससे समय रहते संभल नहीं पाए रियासतें, और जब संभले तो उस समय में अंग्रेजों ने भारत में काफ़ी पांव पसार चुके थे। अब उनको वहां से भगाना आसान कार्य नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के जुल्म, उनके द्वारा किए गए भारतीयों का शोषण, नस्लीय भेदभाव, फूट डालो राज करो की नीति आदि से परेशान होकर के भारत के तमाम जन सामान्य वर्ग ने अंग्रेजों के खिलाफ
मोर्चा खोल दिया और उसका जीता जागता रूप 1857 की क्रांति के रूप में देखा गया था, जो हमें अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के जन आक्रोश के बारे में दर्शाता है। कल हम इसमें पढ़ेंगे बंगाल में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य में संघर्ष के कारण। थैंक यू।